सेंटर सेंटर सुनो प्लीज सेंटर सेंटर हाँ यस मैम लुक हियर मैम इधर देखे नहीं मैडम दो मिनट यहाँ पे सोनाक्षी मैम सेंटर मैम हियर हियर सोनाक्षी मैम लास्ट कॉर्नर प्लीज मैम दिस साइड लुक हियर प्लीज थैंक यू मैम लास्ट वन किधर चालू नहीं हुआ आयुष्मान सेंटर तेरे आयुष्मान लुक हियर 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 या आयुष्मान लो एक मिनट हां आयुष्मान लुक हियर बस सही मैम थोड़ा इससे आइए बस बस मैम इतना नहीं थोड़ा नीचे हां बस सनी मैम लुक हियर प्लीज मैम दिस साइड मैम यो सनी लुक हियर मैम लुक हियर मैम यो दिस साइड मैम लुक हियर लुक हियर प्लीज अरे वेट वेट सनी सनी स्ट्रेट लुक सनी स्ट्रेट सर आपका सर मन टुगेदर थोड़ा सनी थोड़ा इससे हां अरे आता तीसरा जगह यस यस हां समझ लिया सर 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 लुक हियर लुक हियर या दिस साइड बोथ ऑफ यू आर दिस साइड मैम मैम लुक हियर मी मैं थैंक यू वन मोर राइट Thank you so much. Yes, ma'am. Look here. Ma'am, straight please. Thank you. Cut or reference? Background नहीं आ रहा है. Cut or reference? Cut or reference? बाहर बाहर. Yes, straight look. Yeah, look here. Richa, look here please. Richa, थोड़ा इधर आइए. एक मैं उधर उधर ही देखो इधर खत्म करो फिर बाद में उधर इधर नहीं नहीं बाद में बस हो गया अरे करो बहुत आवाज लगा हाँ यार इसके लिए अभी हम चलते हैं मैं थोड़ा अभी इस पर बस बस मनीष लोग क्या सेंटर इधर इधर या या नमस्ते मैडम बस बस इधर खड़ा मिले बस बरोबर है बरोबर है बस बरोबर है फक्त समोरच बघा विद्या जी स्ट्रेट लुक मॅम विद्या जी विद्या जी विद्या जी स्ट्रेट मॅम यो विद्या जी ये लाइट एकदम पीछे से नहीं इसके लिए आप लुक हियर प्लीज मैम ये बात कर मैम इधर मैम मैम इधर हां मैम लुक हियर प्लीज मैम सर अभी नहीं मैम लास्ट वन प्लीज मुझे मैम इधर मैम यो मैम यो मैम यो मैम मुझे मैम लुक हियर प्लीज इधर 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 Thank you. मेरा गाना है किधर? अरे लाइट आ रहा है यार। Yes. अरे यार ये गाना है। यार एक मैम लुक थोड़ा सा छोड़ पाते हैं। एक साइड टिकट है। सेटा सेटा दे। अरे काम कर ले। हाँ इधर। कार्तिक स्ट्रेट लुक कार्तिक स्ट्रेट लुक लुक क्या कार्तिक सुबह का पिक्चर हिट हुआ है अच्छा हुआ कार्तिक इधर देखते हैं
कार्तिक स्टैंड कार्तिक वन मोर राइट कॉर्नर वन मोर राइट कार्तिक यो गाना सही लगा ना आज का फोटो कार्तिक 25 है थैंक यू यहां पे सर यहां पे हीट है पूरा हीट है फोटो करा दोनों का फोटो करा अभी अंदर मत ले जाना यार संचिता दोनों एक मिनट विजय मैम अरे टिकट दे आ जाओ विजय मैम कार्तिक लो गया कार्तिक राइट साइड विजय मैम राइट साइड कार्तिक सोलो एक मिनट एक मिनट अरे कार्तिक सोलो या जस्ट लुक एक मिनट या Ready? Okay. Hi. Firstly, how are you looking forward to the evening and what capacity are you participating in? Are you going to be getting any award? I hope so. See, he is very well informed. What does this award mean to you? Well, I think it's always nice when somebody appreciates your efforts and your work and your style for that matter. I think that's what they've called me here for, which is very exciting. And because it's something that I used to not look into myself, and over the years it's something that has evolved for me, which is my style, and I'm happy that they appreciate that. I'm looking forward to every film of mine which is coming out this year. There's quite a few, let me tell you that. Kalank is my next release, so very, very exciting times ahead. We are releasing in April and I'm really looking forward to that. I'm shooting a film which will release in August. Mission Mangal is releasing in August. We're almost done with that. I'm starting Dabang 3 in April, towards the end of April. And yeah, very, very exciting times going back to like home base for me with Dabang. So yeah, super fun times ahead. बट इवन आई लाइक द ओरिजिनल वन बेटर. उसमें कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है. यू नो, हम जब सॉन्ग रिक्रिएट करते तो ये सोच के नहीं करते कि हम ओरिजिनल से बेटर बनाएंगे, क्योंकि जब एक ओरिजिनल इतना आइकॉनिक गाना हो जाता है तो उसको ऐसे करना मतलब ठीक ही नहीं होता. वी ओनली ट्राइंग टू रीपैकेज दैट एंड गिव इट टू द जनरेशन ऑफ टुडे जो शायद वो पुराने गाने नहीं सुनते हैं. दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट. एंड यू नो, फॉर मी एज एन आर्टिस्ट, मुझे बोला गया था कि वी वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड बिकॉज वी डोंट सी एनीबडी एल्स परफॉर्मिंग इट. सो दैट्स अ बिग बिग डील फॉर मी, यू नो, दैट द मेकर्स फेल्ट दैट आई वुड डू जस्टिस टू द सॉन्ग एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव गॉटन अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर द सॉन्ग, फॉर द वे आई एम लुकिंग इन द सॉन्ग, फॉर द वे आई एम डांसिंग. I personally really like the song as well. I think overall this response has been good. Remake ke liye to har koi remake ke liye mixed response hi milta hai, but it's better to focus on the positives. Also, going crazy about Dabang 3, what can be expected in the third part? Double, triple of what you saw in the first two parts. Yeah. Thank you. Excellent words mean to you?
I just told them that, you know, it's really nice when somebody appreciates your efforts and your work, and I'm really happy to be a part of this. It's the second time in a row that, you know, I'm being awarded over here. So I'd like to thank Next Brands, and always a pleasure to be back. Yes, thank you. Thank you. हाय, कैसे हैं आप लोग? Do you have any questions? Tonight, is this that I'm always excited if there's a credible news channel which invites me for something, and Times Now is one of them. And it'll be fun being part of this award show. And I'm looking forward to some award also at the same time. So, because 2018 was tremendous for me. So yeah, I'm glad I'm here. What does Next Brand Award mean to you? Next Brand Award means a lot to me. In fact, I think it's all about brand building when it comes to yourself as an artist, or maybe to a sports person, anybody. We all look forward to creating a brand for ourselves, and I'm glad 2018 was one such year for me, which helped me create my own niche in the industry. I don't know. I'm glad I was part of both Andhadhun and Badhayu. Both did really well, and both will be winning a lot of awards. And I'm expecting I should also get one. So let's see. Fingers crossed. And we're expecting a lot this award season. Thank you. Thank you. Visual. It's good. Thank you, guys. Thank you. Well, first, I'm so excited to be here, so thank you so much for having me, and I'm excited to see everybody and what everybody's going to win tonight, and everybody works really hard when it comes to their brands and trying to be different and creating something new. Sure, I'm shooting my first South film called Rangila. I'm right in the middle of shooting now. It's very exciting. I came back late last night, so I could see you all here today. And I have two Hindi films, two South films, the TV shows here, so I'm very excited, very busy. God is great. Your show's very well. It's a very highly rated show and shuffles contestants, winner or not winner also. They're getting so much opportunity in Bollywood. Sure. Something that I don't know if it gets aired or it does get aired. Something I tell each of the contestants when they first come into Splitsvilla,
is that this is your opportunity to shine, to show your personality, your style statements, hair, makeup, what you wear, your shoes, your clothes, everything. And you should be exactly who you want to be. They are the next generation. They're the style and trend setters. They are the future, so it's important that, at least I express to them, that it's important that they shine through everybody else and just be who they are, and the world will love them. We're going to cut to a short commercial break and be right back while she gets, goes on set. She's coming back. I'm coming back. In 9 minutes. That's all. There's no association as such. Thank you. Admin in the higher. Ma'am, one more question. Yes. What do these brands, next brands, about mean to you? They mean to me as much as any other brand award show. When you're an actor, you have to sort of conduct yourself like a business, and you become your own product. So I think self-awareness about that is very important. And yeah, every actor is a brand onto themselves. No, I wasn't in the country. I was in London, then Ranchi, then Bangalore. It's on my Instagram since you're asking. Thank you. That means a lot. We all work very hard to become brands, and today we are happy that something like that is being celebrated, and happy to be a part of it. जब इंडोर्स करते हैं वो डिफरेंट चीज़ होती है. अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ. मैं बड़ा नॉर्मल हूँ उस मामले में. इट्स नॉट ओनली दैट, इट्स नॉट जस्ट अ ब्रांड विच मैटर्स टू मी, बट हाँ इंडोर्स कर रहे होते हो तो आप बहुत चीज़ें ध्यान देते हो, सो इट डिफरेंट मायने हो जाते हैं. यार मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कोई वैलेंटाइंस डे पे सेलिब्रेशन नहीं करता, बट हाँ मेरी वाइफ है, आई विल मेक श्योर शी फील स्पेशल. बट हाँ यही चाहता हूँ
शांति बनी रहे वैलेंटाइंस डे पे, बस इतना ही है। Why not, yeah? Totally depends on Bhaijaan. Whenever he thinks that I fit the role, I don't think वो एक बार भी सोचेंगे, वो definitely मुझे call करेंगे उस पर. But उनके साथ I'm more of a friend and family to him, so it's I don't ask for work. उनके साथ definitely discuss करता हूँ, but एक मुझे पता है जब उनको लगेगा कि मैं role fit करता हूँ, वो definitely call करेंगे. Thank you. Thanks a lot, guys. I think the name of the award says it all. It's Brands Vision. So People Human Brands is also other brands that have done exemplary work in the year, and therefore I'm very glad to be here to applaud for other people and you know, for the fantastic work that's happened in the year, because I think brand is about belief. It's about conviction. It's about passion, dedication, commitment, consistency, so many things, right? It's the coming together of so many things. So, yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Oh my God. I don't know. I have no tips to give anyone. I think everyone should, you know, feel beautiful at all times. When you feel beautiful, you look beautiful. But thank you very much. Thank you. Yes, I have. How you like that? I think I watched Manikarnika in the theater, and I was blown away by the amount of hard work that's gone in, because it's there for everyone to see. And the war sequences are probably amongst the best that I've seen in any Indian film. And congratulations to the entire team. Yeah, thank you. Thank you so much. बहुत सारे माइक। I mean, I'm really excited to be a part of this award show, and I'm really looking forward to the show right now. You get awarded for your work, and 2018 has been really good for me. So with Sonu KT2 ki sweetie releasing last year, so getting appreciated for your work, I think a lot of
people are getting awarded and respected for their work, which is a great thing. Thank you. इधर पे इधर पे सामने जी 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 आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी I'm really happy with all the successes that 2018 had and 2019 with, in fact, with Uri also and Vicky's film doing so well, with Raj's films doing so well, Ayushman's films doing so well. I mean, ये बहुत ही एक अच्छा time आ गया है जिसमें content king है and it's not just the names, so it's about content right now, which is a great feeling to have, you know, with Sonu ke Titu ki Sweetie working last year for all of us. So I think we are in a very good space and aise ye filmein aur ban I think because of this reason aur zyada content specifically hamare Hindi cinema mein aur zyada aage aa raha hai. Thank you. Photo launch hua hai aaj ji, bahut acha response mil raha hai sir. I mean फोटो मेरा फेवरेट ट्रैक है लुका छुपी से और ये रोमांटिक सॉन्ग है. वैलेंटाइन्स वीक है, वैलेंटाइन्स डे कल आ रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा गाना आना आई थिंक अभी तक कोका कोला भी बहुत बड़ा हिट हुआ है, पोस्टर लगवा दो चल रहा है, साथ साथ अब एक रोमांटिक सॉन्ग जो आया है विच इज़ फोटो, वो टाइमिंग बहुत अच्छी है और गाना बहुत अच्छा है, तो वो आई मीन लुका छुपी के साथ जो भी चीज़ें एक एक साथ आ रही हैं वो ऑडियंस को बहुत अच्छी लग रही है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि आज जो रिस्पॉन्स आया है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं फोटो को लेकर, तो ऐसे गाने मिलते रहे और आगे जाके. जी क्या प्लान्स हैं मेरे वैलेंटाइंस डे पे? मैं मैं इस बार मैं मम्मी के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ और या मैं क्योंकि मैं शायद किसी पार्टी में जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ अकेले शायद सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, वैलेंटाइन नहीं है मेरे पास अभी. सारा ऑपोजिट मी आई थिंक ये अगर ये इस फिल्म की बात हो रही है तो ये इम्तियाज़ सर से ही बात हो पाएगी, बिकॉज़ मेरे को अभी तक इसका कुछ आइडिया है नहीं पूरी तरह से. एंड अभी जो है फिल्म्स में उसमें लुका छुपी जो आ रही है और पति पत्नी और वो जो मैं ऑलरेडी जिसका स्केड्यूल लेके आया मैंने. थैंक यू. हाँ फोटो आ गया. अरे यहाँ पे कैसे लेना है बोलो. हाँ जी सर. जी आप बताओ मुझे क्या कहूँ, मैं वही कह देता हूँ. इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, जब भी आप किसी के टैलेंट को, किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं तो सबको अच्छा लगता है. सो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ब्रांड विजन ने आज मुझे भी इस अवार्ड के लिए चुना है. सो थैंक यू सो मच टू ब्रांड विजन एंड नेक्स्ट ब्रांड. थैंक यू. Also doing a very well, highest TRP urban and rural area. What do you want to say regarding that?
आपको क्या लगता है क्या कहना चाहिए इसके बारे में? ऑफकोर्स आई एम हैप्पी एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूवर्स जिन्होंने इतना प्यार दिया है, और बिकॉज उनका वो जो इंतज़ार था, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे भी इंतज़ार था कि जल्दी से जल्दी हम लोग टीवी पे वापस आएँ, और बहुत ही प्यार दिया है सब ने, और टचवुड शो इज़ डूइंग वेरी वेल, सो थैंक यू सो मच। ये सवाल उनसे पूछो जिनकी शादियां नहीं हुई, मेरा क्या है, मेरा हो गया अभी काम। अब मैं अभी तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं स्पेशल क्या करने जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, एक्चुअली हम लोग शूट ही कर रहे हैं उस दिन भी, पर कोशिश करेंगे कि मैं भी थोड़ा रोमांटिक हो पाऊँ, ऑन स्क्रीन तो बहुत रहता हूँ लोगों के साथ, तो अपनी बीवी के लिए भी अगर कुछ स्पेशल कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर एक्चुअली, सो वो तो मैं हूँ ही। थैंक यू। नहीं, मैं देख नहीं पाया, सॉरी, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा। नहीं, लेकिन वो रिलीज़ हो चुकी ना शायद, उसके पहले आते हैं प्रमोशन के लिए, हाँ, पर उन्होंने मेरे ख्याल से प्रमोट किया ही नहीं, कहीं पे भी वो गए नहीं शायद। सब चैनल की तरफ से आप ही हो? जी, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मेरा एक कनेक्शन भी है बिकॉज इज ऑल्सो फ्रॉम अमृतसर, और दूसरी बात यह है कि मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ जहाँ पे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पढ़े हुए हैं, सो उनको मिलके बड़ा अच्छा लगा, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी बड़े सालों से, तो मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। इधर आए सर, इधर आओ। मुझे नहीं खिंचवानी आती, बताइए। आ जा मनी। थैंक यू। I want to thank Next Brands, Brand Vision for putting up such a spectacular event. Saurav and Chandrika, Chandrika especially, she's worked really hard on this event. And to build a brand is so difficult, and to sustain a reputation is the most important. And that's what we do, and I'm so glad to be awarded for all the years of hard work I have put in, and especially my wonderful team at Media Raindrop. More than anything, it's their award, totally. And for the media, that's my fraternity. Thank you very much. I think what they're doing is something so significant and important, and this is an amazing initiative by them to commemorate people from different walks of life, different professions, and I think it's such a great honor
to be, you know, winning here tonight. And I think as an artist, it's nice when somebody appreciates the work that you put in and what you do. So, I mean, thank you so much to Next Brands for doing this. बहुत अच्छा लगता है आई थिंक कोई आपका काम को अप्रिशिएट करता है सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नाइस और आई थिंक आज खाली एक्टर्स को नहीं नॉर्मली अवार्ड फंक्शन सिर्फ एक्टर्स के लिए होते हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों को किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से किसी यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सबको आज कमेमोरेट किया गया है सो आई जस्ट फील वेरी वेरी ऑनर्ड आई एम ऑफकोर्स नाउ यू सी मी इन माई न्यू नेटफ्लिक्स शो कॉल लैला वी विल बी रोलिंग इट आउट वेरी वेरी सून हाँ वो कॉपी कैट है कॉपी करता है मेरी वो बोलेगा अभी इस बार आप मेरी कॉपी कर रहे हो हाँ ओके सॉरी सॉरी वो बचपन से जो मैं करती हूँ उसको वही करना होता है तो इसलिए बट इस टाइम आई थिंक वो मुझे बोलेगा कि आई एम फॉलोइंग हिज टिप्स नो आई रियली थिंक दैट साकिब हैज़ गॉट सो मच अप्रिसिएशन फॉर हिज शो रंगबाज एंड वी आर सो हैप्पी आई एम सो प्राउड ऑफ हिम and I hope that, you know, and I think with both of us, we always keep competing with each other. It's a very healthy sort of a competition. So, yeah, we hope to continue that. Thanks. Thank you. Thank you.